ऑफिस का दूसरा दिन था। काम खत्म होते होते रात के 1 बज गए थे। क्या बोरीवली चलेंगे? मैं पहली बार बाहर थी, एक नए शहर में, अनजान लोगों के बीच। अचानक ख्याल आया, मैंने अपना पर्स खोल के देखा तो पैसे कम थे। 3-3 एटीएम्स के चक्कर काटने के बाद रियलाइज हुआ कि कार्ड काम नहीं कर रहा। अचानक मेरी नजर टैक्सी के मीटर पे गई। भैया आप प्लीज यही रोक दीजिए। मैडम बोरीवली को भी 20 मिनट है। नहीं आप प्लीज यही रोक दीजिए। ये लीजिए भैया, पूरे 200 हैं। क्या हुआ भैया? आपको यहीं उतरना है? हाँ, मेरी सहेली का घर यहीं कहीं आसपास है तो मुझे यहीं उतरना है। मैं चली जाऊंगी, आप लीजिए ना, आप जाइए। इसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। पता नहीं कितनी देर से चल रही थी, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एक जानी पहचानी आवाज मेरी ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक मैडम अब तो तुम वापस क्यों आए हो? मैडम घबराइए मत प्लीज, आपके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है? आधी रात को कोई यूं ही 3 एटीएम चक्कर नहीं काटता मैम। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर भरोसा करो मैडम, आपको मिलने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान टैक्सी वाला मेरी मदद करने के लिए मुझे ढूंढता आएगा।